राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज है संडे, तो संडे को तो स्पेशल काम होते हैं, थोड़ा साफ सफाई वाले कपड़े उपड़े, तो वो सारे काम कुछ कर लिए, कुछ अभी बाकी है। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दिया है। दोपहर में 12 बजे से ले के और मिनिमम 4 बजे तक इतनी भयंकर गर्मी होती है कि बर्दाश्त ही नहीं है। तब सोच रहे हैं कि दोपहर में ना बड़े दिन होने लगे हैं तो कुछ ऐसे टाइम ही नहीं पास होता, लगता है कि कुछ करें। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, तो बनाएंगे तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, मतलब कुछ भी जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनसे कुछ ना कुछ कर। और आज ना मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉटन वाली साड़ी पहनी है, इतनी फूली फूली सी लग रही है, बिल्कुल मतलब सेट नहीं हो रही अभी पहनने में, इधर उधर उड़ रही है। तो इसको ना 2-4 दिन जब पहनेंगे, धुलेगी, तब ये जाके थोड़ा सा नरम होगी, तभी पहनने में अच्छी लगी। तो गर्मियाँ चालू हो गई तो हमने कहा चलो इसको पहनना शुरू कर दे। क्या हुआ? अच्छा दोस्तों, तो आज ना मैं जैसे कि कुछ वेस्ट साड़ियाँ रखी हैं उनसे मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, मतलब बनाने जा रही हूँ। तो आप देखिए कि मैं बनाऊँगी क्या। जैसे कि वेस्ट साड़ियों से, पुराने कपड़ों से बहुत कुछ कर सकते हैं हम नया। तो वैसे दिन साल भर में 2-4 साड़ियाँ 5 साड़ियाँ तो निकली ही जाती हैं, अगर 2 लोग घर में होते हैं तो ऐसे करके ढेर लग जाता है साड़ियों का। तो उन्हें ऐसे फेंकने से अच्छा है तो कुछ मतलब इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इससे मुझे लग रहा था कि हम जैसे एक पिलो कवर बहुत अच्छा सा मतलब बना सकते हैं बिना रुई का। जैसे रुई की जगह पे हम अपनी साड़ियों का, देखिए जैसे ये साड़ी है, ये साड़ी मेरी, तो ये पिलो कवर मैंने मतलब बना कर रखा था काफ़ी दिन से, सोच रहे थे इसको बनाने के लिए। जो साड़ियाँ जो हैं जिनमें स्टोन और ये कढ़ाई वगैरह नहीं हो ना, वो साड़ियाँ लीजिए, जो बिल्कुल ये क्या कहते हैं हल्की सी मुलायम मुलायम सी होती है उनकी तकिया ना बिल्कुल। मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि ये साड़ी को कैसे क्या करना है, वैसे कटिंग करके बहुत मुलायम से, तो ये मैंने ढेर सारा बनाकर पहले से ही रख दिया था। इसमें मेरी कम से कम 2-3 साड़ियों का कपड़ा है। तो मेरे यहाँ तो सिलाई होती है ना, तो मैंने तो जो कतरन भी होते हैं उनको भी सॉफ्ट सॉफ्ट से निकाल के उनको इसमें मिला लिया है। जैसे ब्लाउज पीसेस होते हैं सूट के, जो ये सूट आता है और उनको सेट कर करके भरिए, और इसकी जो पिलो बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल रुई का जैसे। फिर हमें कम से कम कुछ नया करते हैं तो अपने ब्लॉग में थोड़ा सा नया डालेंगे, कुछ भी वेस्ट चीज़ों से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती रहूँगी और आपको भी दिखाती रहूँगी। तो जैसे ये मेरी पिलो है वो बन चुकी है, मैं पूरी नहीं भरूँगी इसको, चौकोर बनाना है मुझे, तो इतने मतलब। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आज है मदर्स डे, तो मेरी कोमल ने मुझे कुछ गिफ्ट किया है, अभी इसके अंदर पता नहीं लिखेंगे क्या चीज़ है, तो जो कुछ भी है अच्छा है, आखिर मेरे बच्चे ने दिया है तो अच्छा ही होगा। तो आई लव यू लाओ मैं बता दूँ। आज ना थोड़ा सा पता नहीं सुबह क्या हुआ था, कोमल दुकान गई थी, वहाँ पे फ़ोन में लगी थी, तो मुझे कुछ मतलब मैं घर पे आई और इसके लिए भी एक सरप्राइज़ है मेरे लिए, मेरे पास, लेकिन वो अभी 2-4 दिन के लिए ना मैंने छुपा कर रखा है और उसके बाद में बताऊँगी, क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला है 12 मई को, तो वो सस्पेंस है, 12 मई को मैं इसको बताऊंगी। तो इसलिए से आज पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया मुझे, मुझे पता था कि आज मॉम डे है, लेकिन मतलब मदर्स डे है, लेकिन आज मैं बच्चों के भविष्य के ही लिए चिंता करती हूँ और उसके लिए ही उसको नाराज हो रही थी उसके ऊपर कि आप मतलब पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो। चलिए आप लोग भी अपने बच्चों को अगर गलती करते हैं तो उन्हें समझाते रहिए, डांटते रहिए, ये तो माँ बाप का मतलब हक होता है। और बच्चे भी अगर समझदार हैं ना तो वो मतलब मम्मी पापा लोगों की डांट को बुरा नहीं समझते, और
मतलब आशीर्वाद समझ के लेते रहते हैं। तो मैं इसको सिल लेती हूँ और सिलने के बाद में ऐसा डबल कर दिया, मतलब चौगोरी बनाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी सी, मतलब हल्की हल्की सी तकिया एकदम रुई के जैसे, बहुत सॉफ्ट सी और कितनी मस्त बनी है, कैसी लग रही है। और इसका पिलो में, मतलब इसका जो कवर है वो मैं बाद में बनाऊंगी और उसका डेकोरेशन भी मैं उसमें करूंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। आज तो मैंने फिलहाल यही बनाया क्योंकि इसमें ही काफी समय लग गया, जो कपड़े को मैंने कटिंग करी इसमें कम से कम मिनिमम 2 घंटे लग गए। अच्छा है, जो भी है अच्छा है।